प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म चक्र कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आज आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर सभी को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसे गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आज का दिन हमारे गुरुओं को याद करने का दिन है जिन्होंने हमें ज्ञान दिया। उस भावना में हम भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के उपदेश विचार और कार्य दोनों में सरलता की सीख देते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग कई समाज और राष्ट्र के कल्याण की दिशा में रास्ता दिखाता है। यह करुणा और दया के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज सुबह 9 बजे राष्ट्रपति भवन में धर्म चक्र दिवस का उद्घाटन किया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया।